एक बात हमेशा याद रखिए, ये जानते हैं कि कानूनी दांव पेच इनके हाथों में है, इनकी जेब में है, इनकी झोली में है, इसीलिए ट्रस्ट से मस नहीं करते हैं। ये पंखे का हवा में एसी कमरे में बैठकर नीति नियम की बात करते हैं, क्योंकि जानते हैं ये लोग कानूनी प्रक्रिया से आएंगे। जिस दिन इन्हें आभास दिलाइएगा कि हम तीर धनुष तलवार लेकर आएंगे, मौत के नाम से सबको डर लगता। और ऐसे भी जितना पदाधिकारी है सबको आलीशान जिंदगी जीना है, मौत से इनका बाप बिगड़ता है, ये लोग कौन है, डराना होगा। अब तक हमें डराया गया है, इन्हें अब डराना होगा, क्योंकि इन्हें आज तक आभास ही नहीं हुआ है। हम लोग आंदोलन करने आते हैं, 353 को धारा लगा देती है पुलिस, हम लोग केस में फंस के रह जाते हैं, उसी में परेशान हो जाते हैं, नेताजी के चरण में जाके पढ़ते हैं कि भाई 353 से मुक्ति दिलाइए। 353 नहीं, अरे जरूरत पड़े तो 302 का धारा लगाइए सीधे मर्डर केस का। क्योंकि आपको क्या लगता है 40 साल पुराना रोग है, इतनी जल्दी और इतनी आसानी से आपको आजादी और छुटकारा मिलेगा? डर इस बार प्रशासनिक लोगों में होना चाहिए, डर इस बार विभागीय लोगों में होना चाहिए, कि मौत का डर क्या हमेशा गांव वाले देखेंगे कि पानी का स्तर उठेगा, हमारे मवेशी डूब के मर जाएंगे, हमारे लोग डूब कर मर जाएंगे, ये डर अब उनमें होना चाहिए। यदि हमारे गांव में एक भी इंसान तो दूर की बात है, यदि वो मुर्गी चेंगा छकरी की भी जान जाती है तो दफ्तर में बैठे अधिकारी को नोच के उसका गर्दन उतार दे, डर उन्हें होना चाहिए। इसलिए समय लगता है, समय लीजिए। आज जो डरे सहमे लोग हैं उन्हें बारूद बनाइए, ऐसे भी 40 साल समय लगा है, 4 महीना और लगे, दिक्कत नहीं है, लेकिन 116 गांव से फौलाद निकालिए और इनका मुकाबला कीजिए। क्योंकि आज यदि आज हम लोग चुप बैठते हैं तो आने वाला दिन आप क्या सोचते हैं, निर्मल महतो की शहादत के पीछे झारखंड का लड़ाई ही नहीं है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना का भी रोल है। इस बात को आप इतिहास के पन्नों से खोद कर निकालिए। निर्मल महतो की शहादत के पीछे स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना का भी योगदान है, इस बात के इतिहास को पुष्टि कीजिए। इसीलिए ये लोग NIA जांच CBI जांच करने से डरते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी मछलियां फंसेंगी, जिनका संबंध टाटा से होगा, जिनका संबंध बड़े बड़े उद्योगपतियों से होगा, इसलिए आज पूंजीपतियों की सरकारों में उनकी जांच नहीं हो पाती। इसलिए आज जितने भी लोग यहाँ आए हैं, हम लोग भाषण देने के लिए कतई नहीं आए हैं, आपके आंदोलन को समर्थन देने के लिए आए हैं, और एक बात स्पष्ट कहना चाहेंगे, ये लड़ाई आपकी है। हम लोग प्रत्येक दिन धनबाद से 200 किलोमीटर का सफर करके यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, और सवाल केवल चांडिल डैम में ही नहीं है, सवाल तेनू घाट डैम में है। हमारे मही पटेल भी सुनकर हजारीबाग से आए हैं आपके बीच, हर एक जिले में हर एक प्रखंड में समस्याएं हैं, इसलिए आप ये मत उम्मीद कीजिए कि स्वर्ग से आपकी मुक्ति के लिए कोई आएगा, ये किताबी और आसमानी बातें हैं। आपको धरातल पर स्वयं लड़ना होगा, क्योंकि आपकी लड़ाई है, किसी के भरोसे आप रहेंगे तो छले जाएंगे, ठगे जाएंगे, आपको लड़ाई हार पार लड़नी है। इसलिए आज मैं तमाम विस्थापित युवाओं से, अभिभावकों से संदेश देना चाहूंगा कि आज किस प्रकार झारखंड की परिस्थिति है। अभी बातों में एक भाई हमें जमीन अधिग्रहण का लेकर थमाए, वहां भी हमारी जमीनों को जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है, ना मुआवजा, तो ये कोई नया बात नहीं है, क्योंकि हमने मौका दिया। चांडिल डैम रहे, केनो घाट का डैम रहे, या कोणार्क डैम रहे, सॉरी माही पटेल जी कोणार्क डैम से संबंध रखते हैं, कोणार्क डैम जो आपका घूमिया और विशुनगढ़ प्रखंड से सम्मिलित रूप से है, तो कहीं पंचेत डैम है तो कहीं माथेन डैम है, हर जगह हमारे लोगों के साथ इसी प्रकार अन्याय किया गया है। और चूंकि उन्होंने देखा ये लोग आवाज नहीं उठाते, ये लोग पोल्ट्री मुर्गा है, पोल्ट्री मुर्गा देखे है ना,
जब मुर्गा को काटा जाता है, जिस मुर्गा को काटा जाता है वही छटपट आता है, बाकी लोग कोना में साइड हो जाते हैं कि हट हमको नहीं ना काटा जा रहा। तो ठीक है, ये पदाधिकारी देखिए वहां खिड़की से सुन रहे हैं, जानते हैं ये लोग पोल्ट्री मुर्गा है, जिसका समय आएगा उसको काट के छांट के छोल के नोच के बना के खा जाए। जिस दिन सब लोग एक साथ विद्रोह करेंगे, अरे एक साथ, अरे पोल्ट्री है तो क्या हुआ, कमजोर है सही, उसका नाखून तो है, 10 गो मुर्गा अगर एक साथ थप्पड़ मारेगा तो काटने वाला के बदन में भी असर होगा। लेकिन चूंकि हमारा सिद्धांत है चांडिल की समस्या है तो चांडिल के लोग लड़ेंगे, अरे ठीक है, कम से कम आप उसे समर्थन दे सकते हैं। इस प्रकार आज हमारे माही भाई विशुनगढ़ से आपके बीच आए, बहुत बड़ी बात है, ये अकेले आए हैं, चाहे तू अकेले आए हैं मायने नहीं है, चांडिल से लगभग 250 किलोमीटर दूर से आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज हमें चांडिल डैम के साथ साथ बाकी जो विस्थापित लोग हैं उन्हें हिम्मत देना होगा अपने आंदोलन के माध्यम से। इसके लिए आप जिस प्रकार से बनता है, क्योंकि जान किसी की रहने के लिए यहां नहीं आई है, अधिकारी रहे या पदाधिकारी रहे या प्रेसिडेंट रहे, जान इस दुनिया में इस जहान में किन सबकी जाएगी, जान का डर मत कीजिए, डर करना है तो आने वाली पीढ़ी का कीजिए कि उसके हाथों में कटोरा होगा या अधिकार, बाकी जान एक दिन सबकी जाएगी। यहां रहने के लिए कोई नहीं आया है, पीएम रहे, सीएम रहे, प्रेसिडेंट रहे, एसपी रहे, डीसी रहे, सबकी जान जाएगी, या रहने कोई नहीं आया है, डर अगर चिंता होनी चाहिए तो आने वाले पीढ़ी की चिंता होनी चाहिए, इन छोटे छोटे नन्हे बच्चों की चिंता होनी चाहिए जिनके लिए आज हम लोग लड़ने के लिए, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं हमारी आयु लगभग 40-50-60 हो चुकी है और कुछ दिनों बाद हम लोग इस संसार को हंसते हुए या रोते हुए विदा कर जाएंगे, लेकिन हमारे आंखों में सपना होगा हमारा आने वाला भविष्य, कि उनके पास क्या बचेगा, उनके पास रहने खाने को क्या रहेगा। इसलिए इस बात का चिंतन मंथन कीजिए, क्योंकि आज जो लोग खासकर विस्थापित लोग हैं वे लोग घुसपैठी का जीवन जी रहे हैं, न घर का न घाट का। इसलिए आज एक ऐसी रणनीति बननी चाहिए और उस रणनीति पर ऐसा काम होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी उसको मिसाल, और नहीं यदि आज हम लोग नहीं लड़ते हैं तो आप देखे होंगे बंजारों को हमारे गांवों में आते हैं, हमारे गांव से मांगे मांगे छने नहीं खाए, कभी चावल मांगता है, कभी आटा मांगता है, कभी सब्जी मांगता है, अब जब कुछ नहीं मिलता है एगो पत्थर लेके पेड़ में पक्षी मारता है, पेट भर के खाता, तो क्या हमारे इन बच्चों का भविष्य कोई पक्षी मारने वाला जैसा होगा। ये राज्य हमारा है, सही बात कहा कि टाटा के लिए चांडिल डैम का निर्माण नहीं हुआ है, हमारी जमीनें ली गई हैं और टाटा का एक बित्ता जमीन नहीं है, क्योंकि टाटा इंडिया नहीं, झारखंडी तो दूर की बात, टाटा इंडियन नहीं, आपको जानकारी है कि नहीं, टाटा फारसी है, कितने लोग जानते हैं टाटा फारसी है, आज उसके नाम से टाटा जमशेद, अरे जमीन हमारा है, हर चीज यहां थोपा गया है, यहां विधायक थोपे जाते हैं, यहां सांसद थोपे जाते हैं, यहां अफसर थोपे जाते हैं, यहां भाषा थोपी जाती है, यहां संस्कृति थोपी जाती है, अब तो यहां जगह का नाम थोपा जाता है हमारी पहचान को मिटाने। जिनका है आज ये कहीं नहीं, इसलिए आज जिस दिन हमारे अंदर का ये डर समाप्त हो जाएगा, जिस दिन हमारे भीतर का ये डर जो हमें डर आता है वो डर समाप्त हो जाएगा, इस डर का उल्टा असर उन पर दिखेगा। और हम बार बार कहते हैं यदि नौजवानों को डर लगता है कि 353 की धारा लगा दी जाएगी, 307 का झूठ मूठ का फर्जी मुकदमा कर दिया जाएगा, तो जितने भी सर में बाल पके हुए हैं वे अगुवाई करें, पीछे से युवा सपोर्ट करें, बाल पक्का बोला अगुवाई दादी सब अगुवाई कीजिए, अब आपको डर नहीं ना है,
कि हमारा करैक्टर खराब होगा तो नौकरी नहीं मिलेगा, नौकरी करने का उम्र नहीं ना है। नहीं, लड़का लोग को डर रहता है कि भाई इतना एमए किए हैं, बीए किए हैं, एगो 353 का लगा लेगा फर्जी केस तो हो सकता है मेरा नौकरी चाकरी नहीं होगा। आप लोग को डर नहीं ना है, नहीं ना है? तो इस बार चूल पका लोग आगे की अगुवाई कीजिए, जान तो ऐसे जा रही है। और आप लोग क्यों जिंदा है एक बात हमको बताइए, जो भी दादू दादी यही खाने आसे छे तुमरा की जन्ने माचे आछे है ना, कि नातिर पुता देखो वाके वादेर भविष्य भालो थाकबे, इसीलिए जिंदा है ना। बाकी आप लोग तो सिनेमा देखने जाते नहीं है, जाते हैं क्या? जींस तो उठा के यहाँ फाड़ते हैं, जींस यहाँ फाड़ते हैं, ऑर्केस्ट्रा में जाके सिटी बजाते हैं, चश्मा पहनते हैं, सफेद चूल को काला करते हैं, नहीं ना? तो आप लोग जिंदा कहाँ है बताइए तो? आप लोग जिंदा है अपने नाती का पुता का खुशहाली देखने, इसीलिए जिंदा है ना। बाकी आप लोग तो कुछ कर नहीं रहे, जिंदगी जीने जैसा तो विशेष कुछ कर नहीं रहे, घर में रहते हैं, सुबह उठते हैं, अगर दादी लोग है तो दो चार बार बर्तन मांजती है, दादू लोग दो चार बार खेत खलिहान से घूम के आता है, खाना खाते हैं, सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं, बाकी तो कुछ है नहीं। तो आप लोग इसीलिए जिंदा है ताकि नाती पुता उसको अपने गोद में खिला सके, उसका खुशी देख सके। तो आज की लड़ाई आपको उसी नाती पुता के लिए कह रहे, क्योंकि हमने देखा कि युवाओं में एक डर का माहौल बना दिया जाता है कि 353 का धारा लगा देंगे, केस कर देंगे, जेल में ठेल देंगे। तो उनको आप बोलिए कि तुम तो हमको जेल में ठेलेगा, तुमको जांगीर डैम के बीच में ले जाके ठेल देंगे। कब तक डर के जिएंगे भाई, कब तक हम डरे सामने रहे? अभी 6 लाख बोले थे, 6 लाख में कुछ नहीं होता है। 2023 है, 2023 के अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए, और नहीं तो सूद मूल ब्याज जोड़ के दीजिए, सूद मूल जोड़ के दीजिए तब हम लेंगे। किसी बैंक में भी अगर हम लोग पैसा रखते हैं तो सूद देता है कि नहीं? तो फिर हम आज 6 लाख क्यों लेंगे? 2023 आज आयोग बनाइए, और जो हमारे स्थानीय सांसद हैं उन्हें कहिए कि लोकसभा के भीतर इस बात को रखें कि तमाम विस्थापितों के लिए एक नया आयोग बने, क्योंकि पुराना आयोग धुंधला हो चुका है, पुराना आयोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है। एक नया आयोग बने, उसमें जाके सर्वे करें और आज के अकॉर्डिंग उनको मुआवजा दिया जाए, और नहीं तो फिर चांदिल डैम टाटा के लिए नहीं बना है। जिस प्रकार पंछी को कैद नहीं रखना चाहिए, नदी का पानी भी आजाद की टाटा के लिए नहीं बना है। और इस बार मायरा मासीरा काकीरा तुम्हारे आगे हबे, यही लड़ाई के तुम्हारे लड़ते हबे, तुम्हारे छेना जन्ने तुम्हारे लड़ते हबे, तो चूंकि बारिश की संभावना है।